अक्टूबर पैच नोट्स बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया खेलने वाले सभी खिलाड़ियों को नमस्ते। इस वीडियो में हम आने वाली अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। मेट्रो रॉयल मोड सितंबर 28 से अवेलेबल हो चुका है। आप मजे कर रहे हैं ना? आप मोड खेलते समय मिले हुए आइटम्स को लोड आउट इन्वेंट्री में लूट्स की तरह ले सकते हैं, अगर आप रिटर्न पॉइंट पे टाइम से पहुंच जाएं। ये आइटम्स को आप अगले बैटल में भी यूज कर सकते हैं या फिर ब्लैक मार्केट में बेचकर मेट्रो कैश कमाइए, जिससे आप मेट्रो रॉयल के स्पेशल आइटम्स खरीद सकते हैं। अलग अलग क्वालिटी ग्रेड्स के आइटम्स हैं, जिनके फीचर्स और प्राइजेस भी अलग अलग हैं, और कुछ आइटम्स मेट्रो रॉयल में ही मिलते हैं। मेट्रो रॉयल मोड में 3 मैप होते हैं जो आपके फेम लेवल के अनुसार अनलॉक होते हैं। मैप के हिसाब से आप बेसिक मोड, अंडरकवर मोड, एडवांस मोड या असॉल्ट मोड में खेल सकते हैं। और भी कई फीचर्स जैसे कि अंडरग्राउंड टनल और बॉस, जिनको आप डिफीट करके कई आइटम्स जीत सकते हैं। अपने ऑनर लेवल रिवॉर्ड्स को इस मेट्रो रॉयल रीयूनियन सीजन में मिस ना करें। विकेंदी अक्टूबर 8 से अवेलेबल है BGMI में। विकेंदी एक 6x6 मैप है जो पूरा बर्फ से ढका हुआ है। इस स्नोफील्ड पे आप बैटल को एंजॉय कर सकते हैं अपनी स्नो मोबाइल और G36C के साथ। रूनिक पावर 15 अक्टूबर से अवेलेबल होगा। स्पॉन आइलैंड पे आप विंड, फ्लेम या आइस रून में से एक चूज कर सकते हैं। बैटल के वक्त आप रून की एक मिस्टीरियस पावर भी यूज कर सकेंगे। हर रून में 2 अलग स्किल्स हैं, ऑफेंस और डिफेंस, और ये स्किल्स आपके रून क्रिस्टल्स को यूज कर सकती है। विंड रून एक विंड शेल्टर बना के एनिमी की बुलेट से डैमेज को कम कर सकती है। विंड बूस्ट से प्लेयर की रीलोडिंग और मूवमेंट स्पीड बढ़ जाती है। फ्लेम रून से आप मैग्मा व्हील क्रिएट कर सकते हैं जो आगे रोल करता है। इस मैग्मा व्हील से आप कवर भी ले सकते हैं और एनिमीज को बर्न डैमेज भी दे सकते हैं। स्कॉर्चिंग एमो से एनिमीज को हिट करके बर्न कर सकते हैं और कुछ देर के लिए डैमेज भी डील कर सकते हैं। आर्कटिक रून से आइस वॉल क्रिएट होती है, जिससे बुलेट्स ब्लॉक हो सकती हैं। जब आप एनिमीज को फ्रीजिंग एमो से हिट करते हैं, तब रिकवरी आइटम से हीलिंग इफेक्ट कम हो जाता है। आप कौन सा रून चूज करेंगे, कमेंट में हमें जरूर बताइए। 22 अक्टूबर को सर्वाइव टेल डॉन मोड आ रहा है। इरेंगल में इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज आ जाएंगे। ज़ॉम्बीज और उनके बॉस को डिफीट करके आपको काफी आइटम्स मिल सकते हैं। रात के समय ज़ॉम्बीज अटैक करेंगे। बैटल ग्राउंड्स में ज़ॉम्बीज और प्लेयर्स को हरा के आप लास्ट टीम स्टैंडिंग हो सकते हैं। ये सर्वाइव टेल डॉन का चैलेंज है। अक्टूबर 31 से पेलोड 2.0 मोड बैटल ग्राउंड्स में आ जाएगा। इस मोड में हेलीकॉप्टर्स और आर्म्ड कार्स रहेंगी, जिसमें नए सुपर वेपन्स जैसे कि 84A लेजर मिसाइल और M2O2 क्वाड्रुपल RPG ऐड हो गए हैं। कुछ आइटम्स में एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे मैन पोर्टेबल रडार, बॉम्ब सूट और UAV कंट्रोल टर्मिनल। पावर से भरपूर वेपन अक्सर सुपर वेपन क्रेट्स में स्पॉन करते हैं। इन क्रेट्स की पोजीशन मिनी मैप में दिखेगी जैसे ही अवेलेबल होंगे। और हाँ, सीक्रेट रूम खोजने की कोशिश जरूर करना। इधर कई पावरफुल आइटम्स मिल सकते हैं। इस मोड में एक स्पेशल रिवाइवल सिस्टम है, जिससे आप फॉलन स्क्वाड मेट्स को कम्युनिकेशन टावर की मदद से वापस ला सकते हैं। इसके लिए आपको एक ID कार्ड चाहिए होगा, जो स्क्वाड मेट के लूट बॉक्स में ही मिलेगा। एडवांस कम्युनिकेशन टावर से आप स्क्वाड मेट को बार बार वापस ला सकते हैं। पेलोड मोड में बैटल ग्राउंड्स का मजा लें और अपना सुपर वेपन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अक्टूबर 31 से वायरस इन्फेक्शन मोड भी अवेलेबल हो जाएगा। वायरस इन्फेक्शन मोड में 3 राउंड्स होंगे। इसमें ह्यूमंस और ज़ॉम्बीज रैंडमली एक दूसरे का सामना करेंगे। ज़ॉम्बीज ह्यूमन को अटैक करेंगे और ह्यूमंस को वो अटैक को सर्वाइव करना होगा। मैच के समय ज़ॉम्बीज को बूस्टर मिल सकते हैं और वो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करके ज़ॉम्बी किंग भी बन सकते हैं। जब सिर्फ 3 ह्यूमंस बचे हुए हैं, तब वो हीरोज बन जाएंगे। शक्तिशाली हीरोज और ज़ॉम्बी किंग्स का सामना काफी रोमांचक होगा। हर राउंड के बाद अगर सारे ह्यूमंस इन्फेक्टेड हैं या खत्म हो गए, तो ज़ॉम्बीज जीत जाएंगे, और अगर एक भी ह्यूमन बचा हो तो ह्यूमंस की जीत होगी। जीत और हार आपके रोल पे निर्भर करता है, तो अपने रोल में अपना बेस्ट कीजिए। आज के लिए अपडेट प्रीव्यू इतना ही है। अगर आपने ये वीडियो एंजॉय किया तो BGMI के चैनल्स को फॉलो करना मत भूलिएगा, जहां से आपको लेटेस्ट न्यूज और अपडेट मिलती रहेंगी। अब चिकन डिनर का समय आ गया है।